हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे स्पर्श की तरफ से। जो है आप जानते हैं कि दोस्तों, हर महीने का जो है पेंशन कब आनी है, कितना आनी है, वो सब का सब दोस्तों 20-21 तारीख तक जो है आपको उसका मैसेज आ जाता है, उसकी ईमेल आ जाती है, उसका जो दोस्तों पेंशन स्लिप है वो भी जारी कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, हर महीने ऐसा हो रहा है कि जो पेंशन के जो मैसेजेस हैं वो सबको नहीं आते हैं, और एक बार फिर से दोस्तों जितने भी पेंशनर्स हैं उनको हमेशा इसका इशू रहता है कि इस बार मेरे को मैसेज नहीं आया तो इस बार क्या पेंशन आएगी कि नहीं आएगी। और दूसरी बात ये भी है कि दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको 31 मई को आपकी पेंशन आनी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले कई बार जो है जो इश्यूज़ हुए हैं जो स्पर्श के सॉफ्टवेयर में, उसमें कई बार जो है डिलेड हुआ है, और उसी को देखते हुए जो है अब जो नया अभी इसमें सॉफ्टवेयर में चेंज किया जा रहा है कि टाइमली है, इस बार भी दोस्तों अभी लोगों को जो है 23 किसी को 24 तारीख को मैसेज आया है। हालांकि स्पर्श की तरफ से ईमेल भी भेजा जाता है, वो भी कई लोगों को मिल रहा है, कई लोगों को नहीं मिल रहा। तो उसकी वजह से दोस्तों अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि स्पर्श ने मई की पेंशन का जो है मैसेज जारी कर दिया है, और कितनी आपकी पेंशन आएगी वो भी, और प्लस आपका जो है कब आपकी पेंशन आपके खाते में क्रेडिट होगी, वो दोनों के दोनों चीज़ें जो है मैसेज आ गए दोस्तों। दूसरी खबर यह है कि अभी पूर्व सैनिकों के जो वेलफेयर है उसको लेकर बहुत सारे अलग अलग काम हो रहे हैं। यूपी सरकार ने भी एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, और ये खासकर पेंशनर्स के लिए है कि अगर उनको कोई भी इशू आता है सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, तो उनके लिए दोस्तों हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, और उस हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए जो है आप अपनी कोई भी समस्या है उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और उनको जो है आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों स्टेट लेवल पर भी जो है पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं, और उसका मेन मकसद यही है कि जो पूर्व सैनिकों की कोई भी समस्या है उसका टाइम्स पे निपटारा हो सके। और साथ ही साथ दोस्तों, जो एक और पक्ष है जहां पे जिन लोगों को जो बैंक से पेंशन आती है उन लोगों को दोस्तों पेंशन ऑलरेडी जो है कल से आना शुरू हो जाएगा, और वो बैंक में जो है कुछ दिन पहले से इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे आज के दो इम्पॉर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।